हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और आज हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन का सेकेंड लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था इस चैप्टर में। ठीक है, जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे पहले वो देख लो, फिर सेकेंड लेक्चर पे आओ। ठीक है, क्योंकि मैं सिक्वेंस में ही कराने वाला हूँ पूरा चैप्टर तुम्हारा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, तो इसीलिए रेफर करते जाओ अगर सब कुछ करना है तो। ठीक है, तो our chapter is gravitation chapter। okay, अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि last time हम लोगों ने क्या किया था। last time हम लोगों ने किया था circular motion क्या होता है, centripetal force, centrifugal force and उसके बाद Newton's law of gravitation, right? Newton's law of gravitation में finally हमारे पास जो formula आया था F is equal to G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? ओके, देखो क्या था ये दो ऑब्जेक्ट था हमारे पास, दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था, आर स्क्वायर, एंड इनका मास कितना था, m1 m2। तो इसके बीच में फोर्स कितना होगा, वो फोर्स ये, राइट। और तुमको याद होगा मैंने इसको क्या बताया था, इसको बताया था न्यूटन, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल, एनी टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जी को मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके, एंड इसमें देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कुछ वैल्यू बताई थी मैंने, बताई थी G इज इक्वल टू 6.67 इनटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी रेस टू माइनस, राइट। ओके, अब देखो अब ये जी का, ये तुम सोच रहे होंगे ये आया कैसे, तो ये मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कैसे आया। पहले यहां से तुमको जी का, जिसका भी यूनिट फॉर्म करना होता ना, जिसका यूनिट फॉर्म बनाना होता है उसका फॉर्मूला पहले बनाना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले में जी का फॉर्मूला बनाना है तो मतलब m1 m2 अपॉन r स्क्वायर को अपोजिट साइड लेके जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ के साथ लेके जाता हूँ, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, m1 m2, राइट। अब इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये यूनिट, दिखाता हूं कैसे। यूनिट ऑफ जी, पहले फोर्स का यूनिट लिखेंगे, फिर यूनिट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन यूनिट ऑफ m1 m2। ओके, तो देखो मास, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, डिस्टेंस आर क्या है, यहां पे डिस्टेंस है, ये स्क्वायर पहले से नहीं लेना है, लॉ में आता है। ओके, ये r क्या है, डिस्टेंस है, और इसके साथ साथ डिस्टेंस का स्क्वायर भी है, इसीलिए मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मास मास, तो केजी 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 स्क्वायर। तो ये समझ लो कि ये कैसे आता है, ये इस फॉर्मूले से आता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के फॉर्मूले से ही मिलता है हम लोग को। ठीक है, और उसकी वैल्यू कैसे है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सपेरिमेंट किया है, न्यूटन एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों को बताया कि इतना मिनिमम वैल्यू, इतना फिक्स वैल्यू किसी भी दो ऑब्जेक्ट में होता है। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन ने बताया, भले ही पूरा यूनिवर्स इससे ही बना हुआ है, लेकिन न्यूटन ने ये भी बताया साथ में कि ये वीकेस्ट फोर्स होता है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, और वीकेस्ट फोर्स का मतलब ये कि और बाकी के जितने भी फोर्स हम लोगों ने स्टडी किए वो फोर्स से सबसे वीक होता है नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा। ठीक है, तो समझ जाओ बात को, लेकिन ये लॉन्ग रेंज फोर्स बोल सकता हूं मैं इसको, बहुत ही डिस्टेंस, कितने लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर भी एक्ट कर सकता है, राइट, कर सकता है, डिपेंड करता है कौन सी टेरेस्ट्रियल बॉडी है। ओके, तो मेनली क्या है, ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है और इसलिए इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, देखा जाए तो सबसे कम होता है। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ये तो थोड़ा कुछ मुझे लगा कि बाकी था इसलिए मैंने पढ़ा दिया तुमको, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो
देखते हैं। इसके बाद में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं नया साइंटिस्ट मतलब, लेकिन वो न्यूटन से भी पुराना साइंटिस्ट है, राइट। न्यूटन ने इसी साइंटिस्ट के लॉज का हेल्प लिया था अपने ग्रेविटेशनल लॉ तक पहुंचने के लिए, राइट। मतलब उसको कहीं ना कहीं एक स्टेप माना जा सकता है कि कैपलर का, गैलीलियो का, ये सब का यूज किया था न्यूटन ने अपने जो मेन फॉर्मूले तक फॉर्मुलेट किया था, अब उसको लॉ बनाया था, वहां तक पहुंचा था, ठीक है। तो कैपलर्स लॉ नेक्स्ट कंसेप्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि पूरी दुनिया में पहले होता ही तो मिसकंसेप्शन था, तुम ज्योग्राफी में पढ़े रहोगे या साइंस में पढ़े रहोगे लोअर स्टैंडर्ड में, कि मिसकंसेप्शन था, लोगों को लगता था कि सन रोटेट करता है अर्थ के अराउंड। क्यों? बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर इंसान बेसिकली प्राइमरी स्टेज पे देखे, मतलब जब साइंस कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था उस समय लोगों को कैसे दिखता था कि सन ईस्ट से निकला और वेस्ट में चला गया, राइट। तो ईस्ट से सन राइज होता है, वेस्ट में सन सेट होता है, सनसेट होता है, ओके। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से लोगों को क्या लगता था कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, लेकिन साइंस डेवलप हुआ, एस्ट्रोनॉमी डेवलप हुई और धीरे धीरे लोगों को यह भी पता चला कि एक्चुअली सन रोटेट नहीं करता है, उसके आस अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, समझे। अब इसमें बात कहां से आती, देखो अब जब अर्थ की बात आ गई तो फिर और भी दिमाग लगाया, मून पहले से लोगों को पता था, सन और अर्थ के बीच में बाद में पता चला रिलेशन, सिर्फ इतना ही पता था कि वहां से लाइट आती है, राइट। सन एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में और वहां से लाइट आती है, लेकिन आगे चल के ये मतलब सबसे ज्यादा हमारा जो नॉलेज था किसी टेरेस्ट्रियल बॉडी के बारे में तो वो मून के बारे में था। मून के हिसाब से हमारे कैलेंडर्स भी बने होते हैं, हिंदू कैलेंडर और उर्दू कैलेंडर, ये सब चेक करोगे तो सब में मून के मोशन के अकॉर्डिंग ही मंथ होते थे, मतलब सबसे ज्यादा हम उसको फॉलो करते थे मून को, और किसी को नहीं पता था। तो जब सन का आइडिया डेवलप हुआ तो लोगों के मन में, साइंटिस्ट लोगों के मन में आया कि और भी प्लैनेट्स होंगे वहां पर जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब ये पता चलने के बाद लोगों के दिमाग में ये था कि कैसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसा जाते हैं सीधा सीधा, सन यहाँ पर ऐसा सीधा जा रहा है क्या, मतलब ये सब बहुत सारी बातें थी। तो कैपलर ने उसको स्टडी किया और लोगों को बताया कि कैपलर ने सबसे पहले उसको स्टडी किया और लोगों को एक लॉ के फॉर्म में बताया, मतलब पूरे प्लैनेटरी मोशन को, पूरा प्लैनेट के कंसेप्ट को, प्लैनेट कैसे रिवॉल्व कर रहे सन के अराउंड या क्या सिचुएशन हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट एंड सन का, राइट। तो ये सब कंसेप्शन को, ये मिसकंसेप्शन को कैपलर ने अपने लॉ के जरिए क्लियर किया, राइट। क्या क्लियर किया देखते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अच्छे से देखना। तो कैपलर्स फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये कैपलर ने क्या क्लियर किया होगा, तो सबसे पहले कैपलर ने सिर्फ इतनी छोटी सी बात क्लियर की कि एवरी प्लैनेट, जो भी प्लैनेट सबको पता थे, वो सभी प्लैनेट्स कैसे सन के अराउंड, एवरी प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, every planets are revolving around the sun in an elliptical orbit. कैसे orbit में revolve करते हैं? Elliptical orbit में. ऐसे और भी orbits बनाए गए थे planets उतने orbits. और तुम देखोगे कि ये कौन सा shape create हो रहा है? Circular shape नहीं है, ये elliptical shape है। मतलब उसने first law में इतना ही बताया कि क्या? Each planet revolve around the sun in an elliptical orbit. Right? Electrical orbit, where sun is situated on one of the foci. इसका मतलब क्या? Second statement. देखो ये first law को याद करना है बहुत ही अच्छे से ना, तो सबसे दो part में इसको divide कर दो. First part में तुम ये बताओ कि electrical orbit है. Second part में ये बताओ कि sun कहाँ पे situated है. Right? तो statement जब पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना. Okay. तो मैं बोलता हूँ कि each and every planet revolves around the sun in an electrical orbit. Okay. And next thing is that elliptical orbit, ellipse में क्या होता है? ये minor axis, ये minor axis और ये major axis, right? ये लंबी है, तुमको देख के भी पता चल रहा है।
मेजर एक्सिस और जहां पर भी बाइस दो जगह पे बाइसेक्ट करते हैं सर, तो ये एक फोकस यहां पे क्रिएट होता है, दूसरा फोकस इस पॉइंट पे। तो कैप्लर ने ये भी बताया कि ये जो एलिप्स होता है सन या फिर यहां पे सिचुएटेड होता है एक प्लैनेट के रिस्पेक्ट में या फिर इस पोजीशन पर, यही दो पोजीशन में वेरी करते रहता है उस प्लैनेट के लिए, राइट? समझे आपको? तो दो पोजीशन पे शिफ्ट होते रहे, सन कभी यहां पर आ जाएगा कभी इस पोजीशन पर होगा, लेकिन ये दो पोजीशन से अलग कोई भी पोजीशन नहीं क्रिएट होती है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए। तो उसने क्लियर किया, फर्स्ट लॉ में ऑर्बिट्स क्लियर किया, लोगों को बताया कि सन कैसे ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट अंडाकार बोल सकता हूं मैं, वैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सभी प्लैनेट सन के अराउंड, ओके, सन के अराउंड। और उसके बाद क्या, सन कहां पे सिचुएटेड होता है? एट एनी वन ऑफ द फोकाई। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल orbit where sun is situated on the any one of the foci, right? अच्छे से याद कर लेना, याद हो जाना चाहिए, बहुत easy है but बहुत ही important है। इसको इसमें क्या clear हुआ भाई, law orbits clear हुए ना, कैप्टन ने क्या clear किया, orbits clear किया, तो इसीलिए उसको ये भी नाम दे दिया गया law of orbit, ठीक है? चलो अब इसके आगे करते हैं, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को कुछ और भी नाम होगा, तो इसीलिए तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, पहले फर्स्ट लॉ में ऑर्बिट्स बताया कैप्लर ने, सेकेंड लॉ क्लियर करते हैं, ठीक है? इक्वल एरिया, इक्वल एरिया, अभी देखो मैं जब पढ़ाता हूँ उस टाइम पे ये सेकेंड ऑर्बिट को, सेकेंड लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हमको पता चलते हैं। क्या पता चलता है, एक्चुअली कैप्लर को एक्सप्लेन करना था वही इनडायरेक्टली, लेकिन उसके पास उस समय उतना मैथ डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसने वहां पे कुछ अलग तरीके से अपनी बात को रखा, और उसको रखते हुए उसने बताया सेकेंड लॉ बहुत ही सिंपल बोला जाता है, समझने के लिए बहुत हार्ड है लेकिन लिखने के लिए बहुत ही सिंपल है। जैसे ये सन है, ये किसी प्लैनेट का एक ऑर्बिट है, सपोज यहां से रिवॉल्व कर रहा हो प्लैनेट, राइट? अच्छे से समझो, ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है यहां से, तो हम लोग क्या करते हैं, सन के सेंटर से उस प्लैनेट के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? ये लाइन सपोज, हाँ लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। अब ये देखो, जैसे अर्थ कंसीडर कर लेते हैं हम, अर्थ पर, तो अर्थ की बात कर लेते हैं, दुनियादारी क्यों करते हैं, समझे? तो ये अर्थ है, ओके, अर्थ का पोजीशन मान ले लेता हूं मैं। अब ये अर्थ यहां से यहां गया, सपोज मैं मानता हूं दो महीने में गया, क्यों भाई दो महीने में, क्यों इतने से इतना जाने के लिए दो महीना लगेगा? लगेगा भाई, तुम पहले इतना सोचो तो समझो, कोशिश करो, उसमें है क्या बात ये बताता हूं। ये बात है कि ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लगते हैं, मतलब 12 मंथ। तो जब 12 मंथ लगता है तो दो महीना तो इधर बनता है ना, दो महीना एग्जैक्टली नहीं बट अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, अब यहां पर भी लाइन ही ड्रॉ करना, और कुछ नया नहीं करना है, लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब कैप्लर ने क्या बोला सेकेंड लॉ में पता है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स, स्वीप मतलब ऐसा, देखो झाड़ू जैसा मारते हैं लोग, ऐसा ऐसा रहता है और ऐसा करते हैं, ये स्वीप कर रहे हैं, तो ऐसे ये लाइन भी स्वीप कर रही है, यहां से यहां पे जा रही है, तो मतलब एरिया कवर कर रही है। मैंने कितना मंथ लिया था, 2 मंथ मैंने कंसीडर किया था, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 2 मंथ में इतना एरिया गया, ओके। तो कैप्लर ने क्या बोला, अब कभी भी 2 मंथ लेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे दो महीना गिनने का, तो उस टाइम पे हम लोगों को सेम एरिया मिलने वाला है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब देखो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो अब मैं 2 महीने ऑब्जर्वेशन किया और फिर एरिया काउंट किया मैंने ज्योमेट्रिकली, अब उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर आगे चल के मैं 3-4 महीने के बाद मन हुआ मेरा, तो मैंने फिर से काउंटिंग स्टार्ट की, राइट? ये पोजीशन 3 और पोजीशन, अब देखो अब मुझे 2 महीना ही लेना, अब मुझे मेरे पास एक रीडिंग है पहले से, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कैप्लर का सेकेंड लॉ, ठीक है? तो 2 महीना है मेरे पास, तो 2 महीने में मैं अगर कैपलर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एरिया सेम होनी चाहिए। तुमने इनवर्स रिलेशन यहाँ पे अभी भी कैपलर ने इनडायरेक्टली बताया था, तुमको टेक्स्ट बुक में इतना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ है, क्लियर रखना, तुमको टेक्स्ट बुक में इतना एक्सप्लेनेशन
नहीं दिया है, तुमको सिंपली सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उसका मीनिंग मैं बता रहा हूं तुमको, अच्छे समझ के रहना। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि अर्थ का स्पीड चेंज होता है थ्रू आउट द ईयर, अर्थ का स्पीड में चेंजेस आते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि कार एकदम स्पीड में जा रहा है 120 के स्पीड से और जीरो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब हमेशा खाली होते रहता था अर्थ का सरफेस, राइट। तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है, तो बात को समझो, बहुत स्लाइटली चेंज हो रहा है, बट चेंज होता है, ये ट्रू है। और जिसकी वजह से डे और नाइट जो टाइम होता है, तुम जानते हो, दिन कभी बड़ी होती है कभी रात कुछ महीने बड़ी होती है, तो इसकी वजह से उस पर इफेक्ट आता है, समझे बात। चलो अभी सेकेंड लॉ पे और टाइम ले देता हूँ, इतने पे समझना और थोड़ा इसके ऊपर सर्च करना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, घर पे बैठे बैठे क्या करोगे। चलो तो इसको लॉ ऑफ इक्वल एरिया क्यों बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरिया इसलिए बोलते हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, ओके। और स्टेटमेंट अच्छे से देख लेना, ओके। अभी थर्ड लॉ लिखते हैं, कैपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्वल एरिया तो हो गया, अभी लॉ ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ओके। टाइम पीरियड पता है तुमको क्या होता है, टाइम पीरियड पता है, नहीं पता है तो देखो, देखो सपोज ये सर्कुलर पाथ है जो पहले मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां से ए से स्टार्ट किया ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, और फिर से ए पर आएगा तो एक राउंड हो जाएगा, राइट, एक राउंड हो जाएगा, और उस राउंड को, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगता है वही होता है टाइम पीरियड, राइट। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, मतलब तो इसको बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता इस डेफिनेशन से मेरे हिसाब से। देखो टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, बहुत ही सिंपल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। अब बोले सर थर्ड लॉ हो गया क्या, अरे थर्ड लॉ ऐसे नहीं होता भाई, ये बेसिक है, पहले का तुमको आज पढ़ा रहा हूँ, थर्ड लॉ हो गया, देखो आगे देखो, ये तो जस्ट एक डेफिनेशन था, इसको अच्छे से दिमाग, जैसे तुम हमेशा बोलते हो एक साल कितने दिन का होता है, और सर 365 डेज 12 मंथ और बहुत सारी चीजें, कुछ लोग तो सेकेंड्स भी कैलकुलेट करके रखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है, 365 डेज होता क्या है, तुमको इतना पता होना चाहिए कि इतने डेज में, इतने टाइम में अर्थ सन का एक रोटेशन कंप्लीट करता है, राइट, अर्थ सन का रोटेशन कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट रोटेशन, राइट। रोटेशन मतलब सर समझ लो रोटेट करते हुए सर्कुलर मोशन, मैं तो भाई बोले अरे ये सर तो रोटेशनल मोशन बोल दिया, लेकिन ओके। तो जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ सन और अर्थ का, ये अर्थ है, तो अर्थ रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और ये कैपलर ने हम लोग को क्या बताया, पता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, मतलब समझो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, टाइम पीरियड मतलब गैप, टाइम का गैप, ये समझो टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे मैंने बताया कि मास हमारे बाद में आता है, मतलब सन से दूर, मतलब हमसे भी दूर है मास, तो उसको 365 डेज से ज्यादा लगता होगा, उसको क्या लगता होगा 365 डेज से ज्यादा लगता होगा, बहुत ही क्लियर है, ओके। तो यहां पर उसने मतलब मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशंस करके हमको ये रिलेशन बताया कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, बहुत ही सिंपल है। फिर से बताता हूं स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस
बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं कैपलर्स थर्ड लॉ। मतलब इसमें तुमको क्या पता चला, इसमें ये पता चला कि सर जिसका डिस्टेंस ज्यादा होता है सन से, उस प्लैनेट को टाइम भी ज्यादा लगता है एक रिवोल्यूशन, मतलब वहां पे साल का टाइम अलग होता है, मतलब टाइम जो वन ईयर का टाइम होगा वहां पर वो अलग अलग मतलब इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे अर्थ से भी आगे वाले प्लैनेट्स जो है उसके, समझे बात को? बहुत इजी है, कैपलर फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वल एरिया, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ओके, और जब इक्वल और ये ऑर्बिट की बात आती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है, सिचुएटेड होता है वन ऑफ द फोकाई पर। सेकंड में स्विप्स ऑफ इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज लाइक प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। अंडरस्टूड? ओके, चलो अच्छे से रिवाइज करो फिर आगे बढ़ते हैं।